सितंबर 1965 की जंग में अंजाम दिए गए उन कारनामों की सच्ची कहानी है जिसमें उसने दौरान जंग कौम और मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान को हसास अहम और जरूरियात जिंदगी की अशिया की फराहमी और समंदरी तिजारती हदूद को खुला रखने में अंजाम दी। साथ ही तबाहकुन बहरी जहाजों ने द्वारका को तबाह करके न सिर्फ अपनी पेशावराना सलाहियतों जुरत और बहादुरी का सबूत दिया बल्कि बुखरी अरब पर अपना मुकम्मल तसल्लुत कायम रखा जिसकी बिना पर दुश्मन की बहरिया अपनी बंदरगाहों में महसूर होकर रह गई और समंदरों में निकलने की जुरत न कर सकी। पाकिस्तान बहरिया के कौम के लिए किए गए ये तमाम कारनामे उसके अफसरों सेलरों और तबाहकुन जहाजों की मजबूत पेशावराना हिकमत अमली के मरहूम मन्नत थे। ऐसे तमाम मिशनों की तकमील और कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ काबिल एतमाद तबाहकुन बहरी जहाजों की दस्तियाबी ही से मुमकिन है।
पड़े। ये मराकश का वो साहिल है जहां नामवर इस्लामी सालार फातेह शुमाली अफ्रीका अकबा बिन नाफे ने बहरे ओकियानूस में अपना घोड़ा डालते हुए तारीखी जुमले कहे थे कि या रब, अगर ये समंदर मेरे रास्ते में हायल ना हो जाता तो मैं तेरी राह में जिहाद करता चला जाता। यह खिलाफत उस्मानिया का मरकज तुर्की है जहां दुनिया के अजीम तरीन अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरोसा ने 50 बरस तक समंदरों पर हुक्मरानी की, इत्तेहादियों के हलीफों को शिकस्त दी और ऐसा सिक्का जमाया कि बहरिया के तमाम नक्काद पैक पक पुकार उठे कि बारबरोसा नाकाबले शिकस्त है। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग एंड कीप दिस इन माइंड कि ये वो रोशन मिसालें हैं जिनकी रोशनी हमारे जिहाद के जज्बों को हमेशा मुनव्वर रखेगी। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, सर तारीखी हवाले से खलीजे कश के बारे में कुछ बताएं। गुड क्वेश्चन। खलीजे कश कराची के जनूब में दरियाए सिंध के दहाने पर फैलने वाले डेल्टा और उसके अतराफ कीचड़ दलदल वीरान और बंजर इलाका है जो 200 मील शुमाल में भारत की सिंध फैलता चला गया है। इस गैराबाद इलाके में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज तक बैन अलाकवामी सरहदों का अभी तक तायुन नहीं किया जा सका। एक्सक्यूज मी सर, यस, इंतजामी तौर पर इस इलाके की क्या पोजीशन है? इंतजामी तौर पर तो रियासत काठियावाड़ का शुमाली इलाका मगरबी पाकिस्तान के अंडर रहा है, लेकिन जब से इन इत्तलात की तस्दीक होने लगी है कि उस इलाके में तेल के जखायर मौजूद हैं, तब से भारत ने खलीजे कच्छ में अपने कब्जे की कोशिशें तेज की और पाकिस्तान की एक चौकी और एक गांव को रौंद कर हमें ललकारा। लेकिन भारत को शायद यह याद नहीं रहा कि तारीख के हवाले से खलीजे कच्छ का यह वो इलाका है जहां सन 1026 ईस्वी में सोमनाथ का अजीमुशान मंदिर हुआ करता था जिसे हिंदू कौम नाकाबले तस्खीर समझती थी, लेकिन महमूद गजनवी ने उसे फतह करते हुए उसके अंदर नस सबसे बड़े बुत को अपने गुस्त से गिराते वक्त यह तारीख साज जुमला अदा किया था कि मैं चाहता हूं कि आने वाला वक्त महमूद को एक बुत शिकन के नाम से याद रखे। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, अगर वक्त पड़ा तो पाकिस्तान नेवी भी गजनवी के नक्शे कदम पर चलते हुए बुत शिकनी की उस तारीख को फिर से दोहराएंगे। कैडेट्स, द लास्ट पॉइंट ऑफ माई लेक्चर इज दैट टुडे इज माई लास्ट डे इन द अकेडमी, टुमोरो आई विल बी ज्वाइनिंग PNS Khyber. Come in. Sir, lesson sir ने report कर दी है, क्या आप मिला पसंद करेंगे? Good. Send him in. Aye, sir. Quite young and a smart man. Are you married? No, sir. कोई प्रोग्राम? अभी कोई इरादा नहीं है सर। क्या उम्र है तुम्हारी? 26 साल सर। देखो लेफ्टिनेंट, अभी हम लोगों ने डट खत्म की है, लिहाजा इस वक्त जहाज का हर डिपार्टमेंट हाई स्टेट ऑफ ट्रेनिंग में है। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम गनरी डिपार्टमेंट में इस हाई स्टेट ऑफ ट्रेनिंग को मेंटेन करो। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? नो सर, थैंक यू।
fired then. You know, Gora. Thank you, sir. आपके पास एक बहुत अच्छा चीफ ड्यूटी अफसर है करम अली सर, वेरी एफिशिएंट एंड ड्यूटीफुल सर। आपसे पहले लेफ्टिनेंट शफी गलवी अफसर की ड्यूटी कर रहा था, आप उसे ब्रीफिंग ले लें। ओके सर। चीफ पेट ऑफिसर करम अली सर। कैसे हो करम अली? मौला का करम है सर। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी करम अली। ये भी मौला का करम है सर। बलवंत सिंह हाँ। पाकिस्तान नेवी गल्फ ऑफ कच्छ में दाखिल हो चुकी है, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ये एक छोटा सा फ्लॉटिला है, साइज स्ट्रेंथ और नंबर्स में ये एक बहुत छोटी नेवी है, नो कंपैरिजन। बलवंत सिंह यस सर। क्या साइज होगा पाकिस्तान नेवी का बताओ? ओ सर जी, एक क्रूजर है तो कोई 8-7 पुराने दिखता है, तो मैं कह रहा था फ्रिगेट सर जी। असि बहुत बढ़िया सत श्री अकाल। गुड, वेरी गुड। हमारे पास 19 डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट, 2 क्रूजर्स yes, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रम जिस पे हम इस वक्त खड़े हैं। इट मीन सर 18 एयरक्राफ्ट, और इन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं ने हुक्म करो तो मैं सारी पाकिस्तान एयरफोर्स के नेवी नू कल्ला फड़ लिया हां, जिस तरह दिल्ली चूचिया नू फड़ दिया। लेकिन सर उन्हें एक एडवांटेज है जो हमें नहीं है। एडवांटेज? उनके पास एक सबमरीन है जिसका नाम खासी है। इस वक्त ये सबमरीन कहां होगी सर? वैसे हमारी इंटेलिजेंस और हमारा एयर सर्विलेंस 3 दिन से उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो रही है। Bearing 1, bearing 062, angle on the bow towards 30, range 12,000 yards. वही कॉन्टैक्ट है जिसको पिछले 8 घंटे से ट्रैक कर रहे हैं सर। दिस वॉज द मोमेंट वी वर वेटिंग फॉर। टारगेट इस सब रेंज में है सर, ये चांस हमें मिस ना करने दें। हम इस विक्रम के पक्षे उड़ा देंगे, टारगेट हमारी रेंज में है सर। काम डाउन नंबर 1 सर। मुझे मालूम है कि इस वक्त आप लोगों की क्या फीलिंग्स है। मैं ये भी जानता हूं कि इनके कैरियर को उड़ा के हम इनकी नेवी को जीरो पर ला सकते हैं। अच्छी ऑर्डर है सर, लेकिन नहीं, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता।
फैसला करता हूं, लेकिन याद रखिए सब्र और बर्दाश्त ही हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा है। जंग अभी छिड़ी नहीं है, लिहाजा हम पहले फायर नहीं कर सकते। और हैसियत मुसलमान के हम उस वक्त तक हमला नहीं करते जब तक दुश्मन हमारे ऊपर हमला ना कर दे। नंबर वन, उसे ट्रैक करो, हमारी नेवी का फ्लोटिला भी यहां मौजूद है। हां, अगर उसने हमारी फ्लोटिला पर अटैक किया तो हम उसके पुर्जे उड़ा देंगे। आज तो सुबह से मैंने कोई मर्चेंट शिप भी पोर्ट ऑफ चांडला की तरफ जाते हुए नहीं देखा। सर, हम पिछले 7 दिनों से यहाँ पर हैं। दौरान हमने सिर्फ 2 मर्चेंट शिप्स को इंस्पेक्ट किया है। चैलेंज मैडम, मुझे तो मुझे मर्चेंट शिप लग रहा है। तो ऐसे को कहा बोर्डिंग पार्टी तैयार करें, हम उस शिप को इंस्पेक्ट करेंगे। आए आए सर। कर लो जो करना है। उन्होंने मर्चेंट शिप में इन्वेस्टिगेशन नहीं रोक के अपनी समंदर से सुप्रीम सी कायम कर ली। ऐसी इस विक्रांत में ऐसे लुकाई बैठे हो यार। सर, विक्रांत इस समय आगे नहीं जा सकता, जरा बुद्धि से काम लें। हो सोड़े हो, ते सफेद हाथी किस बात से छुपा रखे गए? अंडे में नहीं तो मैं कहना ऐसे है ना कनक ना जाओ ना तरकारी ना सब्जी ना मुटियारा ने और मुटियारा ना जिक्र करके तो दिल काट ले आज। और फिर क्यों बैठे हो ऐसी? चले उठे चलिए जिसे कम से कम मुटियारा तो हो। और रब तेनु सुखी रखे। पाकिस्तानी फोर्सेस ने और साड़ी फौजा ने पिछले धक्का दे के वो गांव से भी कब्जा कर लिया। ये विविध भारती है। आज प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा कि रन ऑफ कच्छ की समस्या को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समर्पित कर दिया गया है और सेनाओं को भूतपूर्व सीमाओं पर लौटने का आदेश दिया है। ऑफिसर, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द न्यूज़। आवर फोर्सेस have withdrawn and the High Command has ordered a ceasefire. Pakistan ne bhi apna kaam karke chali gayi hai aur ab hamari bhi wapsi hai. Any problem sir? Case arbitration mein chala gaya hai.
कर दी स्टेशन। जी एज यू नो रन ऑफ कच्छ पेट्रोल ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपने जहाजों को हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस में रखना है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दुश्मन बहुत मक्कार और चालाक है, अचानक किसी वक्त भी हमला कर सकता है, इसलिए शिप हस्बेंड्री का ख्याल रखना है। और यो आप अपनी मशीनरी स्टेट से मुताल्लिक तमाम रिपेयर्स और मेंटेनेंस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके लगता है जैसे अभी तक अमेरिका में बैठे थे। अजीब जनाब मैं आ गया हूँ और आपके सामने बैठे यार, कभी कभी आ जाया करो, शतरंज की बाजी लगाए हुए बहुत दिन हो गए। आपके साथ हमारी शतरंज की बाजी तो अब रिटायरमेंट के बाद ही होगी, क्योंकि आजकल हमारी जो शतरंज है उसकी बिसात बहुत लंबी बिछी हुई है शरद के पार दुश्मन के साथ। ये बात तो है, वाकई दुश्मन बहुत चालाक है। अंकल आप एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं, एक अच्छे सेलर, एक अच्छे ऑफिसर भी हैं। और हमारी तमाम फोर्सेस और नेवी इतनी एफिशिएंट है कि वक्त आने पर दुश्मन को इस बिसात पे मात दे सकती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ की लड़कियों में माशाल्लाह जरूरतमंदाना जज्बा पाया जाता है। अंकल मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे भी नेवी में भर्ती कर लें, मुझे नेवी यूनिफॉर्म पहनने का बहुत शौक है। वेल सेड, वेल सेड। इसमें इतने हंसने की क्या बात है, मेरे आखिरकार हिरम बेटी चाहे तो मेरी ज्वाइन कर सकती है, और वैसे इसने अगर मैटेरियल क्लियर कर लिया तो ये कमीशन भी ले सकती है। एनीवे आजकल और क्या हो रहा है बेटी? बस आजकल रिजल्ट का इंतजार है। इंतजार, रिजल्ट का इंतजार, ये क्या बात है बेटी? भाई पास होने की जो खुशी तुम्हें होगी वो तो होगी ही रिजल्ट आने के बाद, लेकिन रिजल्ट के इंतजार में जो एक लुत्फ की कैफियत होती है वो ठीक तो होती है ना? यार तुम कुछ कह गए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये फर्रुख है, आपकी नेवी में लेफ्टिनेंट है, अपने कर्नल वसीमुद्दीन का बेटा है। ओह आई सी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। रिलैक्स योरसेल्फ, बॉय, यू आर ऑन ड्यूटी हियर। थैंक यू सर। कहाँ हो तुम? खैबर पर सर। मोरल कैसा? A1 सर। मैं फर्रुख, बजाय इसके कि तुम यहाँ इनके सामने ये सर सर कहते रहो, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अंदर चले जाओ। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। कमांडर साहब आजकल हमारी बेगम के सर पर इरम की शादी सवार है। क्यों ना सवार हो? देखिए लाहौर से मेरी बड़ी बहन अपने बेटे को लेकर यहाँ आ रही है और शायद तारीख तय करने आई है। तो क्या आप लोगों ने इरम की मंगनी तय कर दी? नहीं, बाकायदा मंगनी तो नहीं की, लेकिन जब इरम पैदा हुई थी ना उसी वक्त उन्होंने उसे अपने बेटे अख्तर के लिए मांग लिया। अच्छा 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 अच्छा, वो क्या कहते हैं ठीकरे की मांग है? तो कमिश्नर साहब को भी अपनी बेगम से इत्तेफाक होगा। भाई हर शरीफ आदमी को बेगम की मर्जी के सामने राजी होना पड़ता है। वैसे मुझे इन बचपन की नस्बतों से हमेशा इख्तलाफ रहा है। सुन रहे हैं आप भाभी? मेरे बहनोई यानी अख्तर के वालिद कैबिनेट में सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा घराना है, अच्छा खानदान है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लड़का करता क्या है? MBA करके आया है, अपनी बिजनेस कर रहा है आज भी। देखिए आप लोगों की सोच और मर्जी अपनी जगह पर, लेकिन असल सोच मर्जी उसकी होगी जिसकी शर्म ताकीद की गई है, यानी जिसने जिंदगी गुजारनी है। आप आ गए? जी हाँ, आप तो मुझे बाहर अकेला छोड़ाई थी, वो तो अंकल ने जबरदस्ती ये कहकर मुझे अंदर भेजा है कि बेटा यहाँ बैठे रहोगे तो यस सर और नो सर कहते रहोगे, इसलिए बेहतर है कि आप ही अंदर चले जाइए।
वैसे अनवर अंकल बहुत खूब है, मेरा भी इंटरव्यू ले रहे थे। अच्छा? अब बार बार पूछे जा रहे आप आए तो मेरी जान बची और मैं एक्सक्यूज करके निकल आई। अबू और अनवर अंकल साथ बैठ जाए तो बस कह कहे बुलंद हो रहे होते हैं। पता है अबू ने क्या कहते हैं? क्या? स्माइली अनवर। मेरे ख्याल से उनकी मुस्तकिल मुस्कुराहट की वजह से। जी वैसे एक बात है, अनवर अंकल का चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता है और एक हम हैं मुस्कुराहट से नाशना। वाह भाई, आपकी उर्दू तो बहुत अच्छी हो रही है और शायरी भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं इस इत्तेफाक से जुमला आ गया। देखिए ना, आपकी सोबत में रह के थोड़ा बहुत बोल लेते हैं वरना। वाकई? मैं सोचता इत्तेफाक है। लगता है समंदर की रंगीनियों ने आप पे असर कर ही दिया। समंदर, सी, मोती, आशना ना आशना, उसने इत्तेफाक। देखिए देखिए, अब आप मजीद खिंचाई मत कीजिए, मैंने कहा ना कि महज इत्तेफाक। और ये भी इत्तेफाक है कि कल यूनिवर्सिटी में जंग अमन में समंदरी सरहदों की हिफाजत पर एक बहुत अच्छा सेमिनार हो रहा है और आपने चलना है। देखिए जनाब, हमारा तो काम और फर्ज हिफाजत है, वैसे जरूर चलेंगे क्योंकि वो क्या कहते हैं ये जो गुफ्तार के गाजी है ना, उनके ख्याल भी मालूम होने चाहिए। गुफ्तार के गाजी? जी हाँ, ये जो दानिश्वर हजरात है ना, ये गुफ्तार के गाजी तो हैं जो बड़ी बड़ी जंगें सिर्फ अल्फाज के जरिए लड़ लेते हैं। नहीं फरो, जंगे महज वाटर एयर और लैंड फ्रंट्स पे नहीं, मुख्तलिफ फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं, जिनमें ऐसे सेमिनार भी शामिल है। आप उनकी अफादियत और अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। अरे बाबा, मैं इनकार कब कर रहा हूँ, और ना मेरा मकसद उनकी तहरीर और तकरीर की जौलानी से। मैं तो समझी आप मजाक कर रहे हैं। मेरी ये मजाल? भाई देखो, मैं सीधा सादा फेलर आदमी, अपने ख्याल को खूबसूरत अल्फाज का जामा नहीं बना सकता, इसलिए बहुत सादगी से कह देता हूँ। वाह री सादगी, लेक्चर देते देते लगता है कि जैसे आप एक मुस्तनद लेक्चरार हो गए। वैसे गुफ्तार के वाजी का तस्करा करते हुए आपने अपना किरदार यानी किरदार का वाजी होने को बहुत खूबसूरती से नुमाया। अरे बाबा, मैंने तो सिर्फ डायरेक्टर का तायुन करने की कोशिश की। लेकिन ये साबित कर दिया आपने कि किरदार का गाजी गुफ्तार में भी किसी से कम नहीं। क्या कहते हैं, मन आना के मन दाना। जी, जी। अरे मैंने अच्छा चाय तो पूछी नहीं, बख्शी। अरे हाँ जी, पर मैं पूछना ही भूल गया कमोडोर के आपका अमेरिका का टूर कैसा रहा? वेरी गुड वेरी गुड। मुझे कभी फुर्सत मिली तो आकर तफसील बताऊंगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर तो आज मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं अब प्लीज कमांडर हो गया। ओ गुड। अरे कांग्रेचुलेशन। एनी टाइम एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। अंकल अंकल। जी बेटा। अंकल जी, आप समंदर में जाते हैं ना? हाँ जाता हूँ। वहाँ तो आप वर्दी पहन के जाते हैं ना? बेटा वर्दी पहन कर जाता हूँ। वहाँ जंग भी होती है ना? हाँ बेटा जंग होती है, लेकिन क्या बात क्या है? बाबा कहते हैं इसे पास रखने और पढ़ने से सब बनाए दूर हो जाती हैं। ये क्या चीज़ है बेटा? पंसूरा। इसे जब आप वर्दी पहने तो जेब में रखे अंकल। जरूर रखूंगा बेटा। हेलो। अरे अख्तर तुम भाई कहाँ हो यार, तुम्हारी वजह से हमारी शतरंज की बिसात उल्टी पड़ी हुई। भाई मैं अम्मी सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। खाला के साथ आ रही? वेरी गुड यार, जल्दी आ जाओ, थोड़ी कंपनी रहेगी। कहाँ सब लोग? आप बोलो, सब लॉन में बैठे, कॉल तो बुलवा दो। नहीं उन्हें मत बुलाओ। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहते। कहाँ है इरम? हाँ होल्ड करो, वो अभी आ रही। यू जस्ट इन्फॉर्म। मैं बताऊंगा। ओके खुदा हाफिज। अरे भाई तुम आके इधर तो आ गए, कुछ चाय वाय भी पी कि नहीं? जी अंकल मैंने चाय पी ली। वो अंकल अख्तर का फोन था लाहौर से, वो और उसकी अम्मी कल सुबह आए। अच्छा थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके अंकल अब मुझे जाओ। बेटे खाना खा के जाना ना। आंटी आज मेस में कुछ दोस्तों ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया और मुझे उनके साथ खाना खाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि कल सेमिनार से वापसी आपके साथ खाना खा लेंगे। चलो ठीक ठीक। ओके अंकल जी वापस। Thank you.
हमारे सर बेटे कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी मसरूफियत कैसी है? हाँ अंकल, मसरूफियत के बारे में तो आप अम्मी से पूछिए, मैं तो आपको बिजनेस के बारे में बता सकता अरे भाईजान, इसको तो खाने पीने की फुर्सत नहीं है, बिजनेस में इस कदम मसरूफ हो गया है कि इसको अपना भी होश नहीं रहा। अरे आपा अभी से? अरे आंटी, यही तो हमारी होती है पैसा कमाने की, बुढ़ापे में तो आदमी लाठी टेक के चलता है। तुम्हारा तो कोई टेक्सटाइल का कारोबार था ना? नहीं अंकल, टेक्सटाइल के अलावा रेडीमेड गारमेंट्स, फूड स्टाफ, और हम लोग मंडी से काफी फसलें वगैरह भी उठाते हैं। मतलब जो मजा एक्सपोर्ट में ना, वो किसी और चीज में नहीं। और इम्पोर्ट? इम्पोर्ट भी, मगर जो एक्सपोर्ट में है वो इम्पोर्ट में नहीं। 5 लाख का माल 50 लाख में शो करते हैं और उस पर हम डिबेट कमाते हैं। डू यू थिंक इट्स फेयर आफ्टर? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पैसा कमाने के लिए बिजनेस में कुछ भी किया जा सकता है। आई डिसएग्री आफ्टर, बिजनेस एक सही काम है जिसको अंजाम देने के लिए सही रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। देखें क्या सही है और क्या गलत, ये एक डिबेटेबल मसला है। मुझे तो इतना मालूम है कि जो पैसे में इज्जत है वो किसी और चीज में नहीं, पैसे में सब कुछ। क्यों अंकल? हाँ ठीक कहते हो, लेकिन अब्बू पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है। हाँ तुम भी ठीक कहती हो। अरे वो भी ठीक कहता, ये भी ठीक कहती, ये क्या बात है भला? आप भी ठीक है। चले करो, देर हो गई है, सेमिनार पे नहीं जाना। अख्तर आप भी हमारे साथ चले। हम सॉरी फरो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आप लेकर रखें और चले हमारे साथ। चलिए उठिए। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो भाई चले चलते। भाईजान कितने दिन हो गए हैं, कोई तो रस्म कर दी, कम से कम मुंह तो नीचा करवा दे। खवातीन हजरात, समंदर की अहमियत और इफादियत का अंदाजा इस बात से होता है कि इस कुरे अर्ज का बेशतर हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और माजी से इसकी अहमियत तस्लीम की जाती रही है। हमारी आजकल तिजारत का बेशतर हिस्सा तकरीबन 60% समुद्री शाहराहों से होता है, लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी तिजारत को तहफ्फुज़ दें, साथ ही उन वतन दुश्मन इस मगरम से निपटना है जो हमारे मुल्क की दौलत और उसके वसाइल को गैर मालिक के हाथ फरोख्त करते हैं। लिहाजा अगर हमारे पास एक ताकतवर बहरिया नहीं है जो एक सद सिकंदरी तामीर कर सके हमारी समुद्री सरहदों पे, तो ये नकब जन, ये चोर, ये घर के भेदी, ये मुनाफा खो, ये चोर बाजारी करने वाले, ये वतन फरोश हमारे अवाम के हुकूक पर डाका डालेंगे और हमारे मुल्क के वसाइल को इस मदन की नजर कर देंगे। क्योंकि बहरिया की जरूरत यूं भी है, हम जा रहे हैं नहीं चाहते, लेकिन हमारे हमसाये जो उसकी जो नफसियात हैं और उसकी जो माजी की रवायत है वो कुछ ऐसी रही है कि उसने जमीन हो या समंदर, उसने जिसकी लाठी उसकी भैंस के उसूल पे अमल किया है और बैन अल-अक़वामी क़वानीन और अख़लाक़ की धज्जियां उड़ाई हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, एक न खत्म होने वाली जारहियत की कहानी है। चलिए जमीन पे तो हमारे जवान लड़ लेते हैं, समुंदर में भी हमें अपने दफा के लिए अपनी बहरिया को मुस्तहकम करना है और नाकाबिल तस्खीर बनाना है। लिहाजा जमाने जंग हो या अमन हो, बहरिया का एक अपना किरदार बड़ा अहमियत रखता है। शेर और मात वर्ड ऑफ विजियर यार, अक्सर ये शतरंज ऐसा खेल है जिसमें बाज़ार जिस चाल से शायद उसी चाल से खुद को मात हो जाती है। अगर सच छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुम कल
सेमिनार से बगैर कुछ बताए उसको क्यों भागे? यार भागने का रास्ता भी था और मौका भी। वैसे भी सेमिनार में मेरे मकसद की तो कोई बात ही नहीं थी। ये क्यों नहीं कहते भाई कि तुम्हारे और उनके ख्याल आपस में क्लैश कर रहे थे? हाँ कह सकते हो भाई। कौन जीता कौन हारा? एक सवाल में आपको दोनों जवाब मिल जाएंगे। यानी कौन जीता? जीत तो हमेशा गन की होती है। नहीं फसा, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। जीत हमेशा जज्बे और स्पिरिट की होती है। फिलॉसफी का मूल नहीं। ठीक, वेरी सिंपल। क्या खेल के आपको फोन की बेल नहीं सुनाई दे रही? हेलो यस सर। इसी वक्त? ठीक आया सर। क्या बात है, खैरियत? जी खैरियत तो है, लेकिन आई हैव टू रिपोर्ट बैक। क्या है ये, अभी फोन आया और अभी चल दिए? ये कोई टाइम होना जाने का? सिर्फ सुबह चले देना पड़ो, अभी खेलो बैठ के, सारा मूड खराब कर रहे तुम। अरे ट्रेनिंग में सबसे बड़ा सबक यही सिखाया जाता है, यू आर नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट टू एंड डन। हुक्म मिल गया तो निकल पड़ो। बख्शो जरा बात। जी सर। देखो मेरी गाड़ी आ रही है, कमरे में मेरा बैग पड़ा है, गाड़ी में बैग रखो, मैं भी आता हूं अंदर से। ठीक है देखे? हेलो हेलो। हाँ हाँ मुख्तार, तुम्हें अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया, मैं तुम्हें अभी फोन करने का सोच ही रहा था। मेरा इतनी होल्ड तो करोगे? बात सुनो। अरे भाई यहाँ पे मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जंग के आसार पैदा हो रहे हैं, तो तुम सारी सफाई बंद कर दो। हाँ हाँ वही ना, सारा माल स्टॉक कर दो। हाँ भाई समय पर बदल गया कोई देना। हाँ भाई बिजनेस मैन के यही तो ब्लेसिंग है ना। हाँ हाँ ठीक है। खास बात होगी मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। ठीक ठीक है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बेटा तुम्हारा बुलावा जल्दी नहीं आ गया? अंकल वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ओह जस्ट लाइक मी, एमरजेंसी एमरजेंसी। अबे वो अख्तर कहां है? हाँ बेटा बुलाओ उसे, नौकरी करेगा पर उसे। अच्छा मैं बुलाओ, आए हम नीचे चलते। आइए नीचे आए। हाँ तो मैं ही कह रहा था। अब तक आप यहाँ हैं, हम ये तो बाहर सड़क को सी अप कर रहे हैं, आप ही मिलेंगे? अरे भाई उनका क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, हम तो आपसे लाहौर से मिलने आए हैं, सिर्फ आपसे। कभी हमसे भी अकेले में बात कर लिया करें। ओके अंकल आंटी, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे हाँ वो इरम बेटी अख्तर को बुलाने गई थी। बेटी कहाँ है अख्तर? अख्तर नहीं है अंदर। ओके ओके बता। Ha ha ha!
रेडियो विविध भारती है। अब विशेष समाचार। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, यदि पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ के मैदान से अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटाई तो भारत पाकिस्तानी सीमाओं पर अपनी इच्छा से आक्रमण शुरू कर देगा। और छोटे, और ना कोई ट्रक आ रहा है आज, ना कोई बात, और मुझे लगता है कोई गड़बड़ है, और वैसे भी मैं आज बहुत थक गया, और मैं कुछ अब आराम करूंगा। साहब जब तक कोई ट्रक नहीं आता ना, तुम थोड़ा आराम कर लो और मैं ताजी ताजी खबरें सुन लूं। ओ बेवकूफा, ओ सुबह सवेर 5 बजे तुझे कौन ताजियां खबरें सुनाएगा। ओ देव अल्लाह ने कहा भेजिया चल नु खुशाब बिस्मिल्ला, वो आया जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्ला जी आया नी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर है जी। वाह वाह, चल छोटे शाबाश, 2 नंबर हो। थोड़ा अखबार तो देना। ओ छोटे, की सवेरे सवेरे अखबार दी रेड लाई हो यार, वैसे भी अखबार शाम का है सवेरे का नहीं, अल फड़। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वजीर खारजा की दिल्ली में मुलाकात। ओ बहू, ओ चंगी चंगी खबर सुना सानू, जिस तरह गरम गरम चाह पियाना। ओ छोटे, और चलो ये अखबार मुझको दे और मैं सुनाता हूँ इनको खबरें। चल तू मेरा बच्चा, गरम गरम चाह बना, शाबाश, फटाफट हो। भाई तुम्हारा भाई को खास खबर हमने भी सुना यार। की है? और ये खबर तो सानू पता ही नहीं थी। सारे मजे खुद ही लेते रहोगे, हमने भी सुनाओगे कोई खबर? पलवान जी मजे से वंट के लो। अच्छा अच्छा सफर कर, लै फिर आज की ताजा खबर सुन। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाऊंगा ये याद रखेगा, लाल बहादुर शास्त्री की धमकी। दसो जी, लाल भी है तो बहादुर भी है? और छाट पड़े सबक सिखाएगा, उठो तो गिठ, बैठो तो मुठ, रंद कासे भागिया था ये प्रसाद, हम दूजी बारी फिर पंगा लाके देख लवे। ओ उस्ताद, मैनू लगता है जंग शुरू होने वाली है, क्यों ना असि अपने अपने घर का राशन इकट्ठा कर लीए। और राशन वाशन की सानू कोई लोड़ नहीं, बोलो एक बारी सानू छेड़ के वेखिए, कफ ने रब दिया करोना का राशन ना बंद कर दिए ते साडा ना नहीं। ओ सदा दे उस्ताद, इसी बात पे आप चाय पियो गरमा गरम। ओ जी की बात है। और छोटे एक दूध पत्ती सान भी ला। अभी ले उस्ताद। ये रेडियो पाकिस्तान है। आज सुबह भारत ने लाहौर और उसके गिर्द निर्वाह के इलाकों में बुजदिली का सबूत देते हुए अचानक हमला कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज की जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन भाग खड़े हुए। Come on, Greg.
the state of the channel? The channel clear of mine. Sir, Harbour Master has confirmed that no ships are entering or leaving harbor. Commandant 21 has reported channel is clear of mines and channel state is green, sir. Harbor mein koi Indian merchant ships aur agar nahi hai? Yes, sir. There are two Indian merchant ships, SS Jatendra and SS Saraswati, in harbor, being detained by naval control of shipping staff at berth number 10 and berth number 16, sir. Okay. Bismillah Rahman Rahim. Tala ship clip kijiye. Bismillah Rahman Rahim. Chief Yeoman, clip the first ship. Let go all ropes. Let go one. पाकिस्तान कौन से 10 बजे खत्म करेंगे? सर सदर पाकिस्तान कौन से क्या कर पा रहे? बस ये जहाज जरा क्लियर हो जाए तो चलती है। स्पीच का अनाउंसमेंट करा दो और हमारे से कहो कि इसको जनरल ब्रॉडकास्ट पर डेले कर दें। खवातीन हजरात, सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुजदिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं
और मुसलमानों की इलाजा आजाद मुमलकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें यह मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है, जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्ला फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिग्नल सर, कैप्टन डेवी। यस सर। मेरे ख्याल में ये मैसेज शिप्स कंपनी को क्लियर लोअर डेक करके सुना दिया जाए। आया सर। एक्सो क्लियर लोअर डेक करवा के ये मैसेज शिप्स कंपनी को पढ़ दिया जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जेंटलमैन, ऑर्डर ऑफ द डे फ्रॉम सीएमपी नेवी। इंडिया हैज एग्रेस्ट एंड इज वेजिंग ऑल आउट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। आवर ब्रेव कॉमरेड्स इन द पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयर फोर्स हैव ऑलरेडी गिवन द एनिमी अ स्टनिंग आंसर एंड इंफ्लिक्टेड हैवी ब्लोज। द नेशन इज सॉलिडली बिहाइंड सुप्रीम कमांडर and the armed forces. I call upon all of us and men of Pakistan Navy to discharge the secret duty with faith, courage and determination and justify the trust reposed in us. God willing, success will be ours. Pakistan, Zindabad. Nara Takbir! Nara Takbir! Nara Takbir! Chief, proceed to assign sectors. Aye, sir. Chief, come on. चार्ली सिक्स फाइव टैंगो ओवर। बाकी आज तो आपने बहुत काम किया, यानी बाहर की तमाम खिड़कियों पर काला कागज लगा दिया। गुड। अरे शायद इरम भी आ गई। मैं तो जनाब शाम ही से रुक-रुक कर लेंगे, ये सारा काम कर रही। अच्छा, वेरी गुड। बस ये भी ले लो और पीछे का जो एक रोशन दान रहेंगे उसमें तीन खिड़कियां रहेंगे। शाबाश शाबाश। देखिए गुड। बाकी ऐसे हंगामी हालात में लोगों को इतना ही कोशिश हो। वालेकुम बेटे, क्या हाल है? जी बिल्कुल। अब वो आज मैंने गाड़ी की लाइटें नहीं जलाई। क्या मतलब? यानी तुम अंधेरे में गाड़ी चला के लाई? जी नहीं बेटा, तुम्हें रुक जाना चाहिए था। इट्स वेरी डेंजरस। अबू, आजकल के हालात में खतरे का कौन सोचता है? और फिर बोलो भी क्या है ना, जो अपनी जान हथेली पे रखकर आसमानों में, सरहदों पे और
समंदरों में जान लड़ रहे हैं, हम उनसे अच्छे तो नहीं है। गुड, वेरी गुड, इट शुड बी द वेरी गुड। हेलो जी, जी आ रहे हैं। हेलो, यस स्पीकिंग। नो पैनिक, नो पैनिक, तुम अच्छा करो कि सिविल डिफेंस रहता रहो और हवाई हमले से बचाव की तरकीबें रेडियो से बार बार नष्ट कराओ, ठीक है? और पब्लिसिटी की अप्रूवल मैं दूंगा। बेटा आपका सिविल डिफेंस का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा, इतनी सारी लड़कियां आई हुई थी, उनकी मदद भी आई हुई थी। मैंने पता था कि आप भी आ जाए। बेटा मैं तुम्हारी खाला को सी ऑफ करने गई थी ना, खासतौर पर जाते हुए तरकीब करके गई कि दिसंबर में शादी हो जानी चाहिए। मीरा कैसी बातें करती हैं आप, हालात तो देखें। हालात की वजह से दुनिया के काम नहीं रुका करते बेटा। अच्छा अच्छा, मैं फाइनल एग्जाम हो जाए फिर देखा। देखा पता नहीं क्या हो गया। आज अलग सुबह तकरीबन 4 बजे कराची पर जो हवाई हमले हुए हैं, टीएफ बेस बदीन की इत्तला के मुताबिक इन हवाई जहाजों में से कोई भी खुश्की के रास्ते से नहीं आया बल्कि समंदर की तरफ से आए हैं। जब हमारे फाइटर एयरबोर्न हुए तो दुश्मन के हवाई जहाज भाग निकले और भागते भागते शहरी इलाके पर बम फेंक गए। लिहाजा ये बात तय हो गई कि कराची पर हमला जमीन से नहीं बल्कि समंदर की तरफ से हुआ। गालिबन इस हवाई हमले में शामिल हवाई जहाज जामनगर के हवाई अड्डे से आए। इनको गाइडेंस द्वारका में मौजूद मोबाइल रडार स्टेशन से मिलती है, जिसका मतलब है समंदर से साहिली इलाकों पर मजीद हवाई हमले मुतवक्को हैं। सर यह है द्वारका, कराची से 210 मील दूर कच्छ के उभार के सिरे पर वाकया है। फौजी नुक्ता निगाह से इसकी बड़ी अहमियत है। दुश्मन के ताकतवर रडार यहां पर नस्ब हैं। यहां से जामनगर और बंबई की पट्टी में से गुजरने वाले बहरी और हवाई जहाजों पर नजर रखी जाती है। यहां पर लगे हुए रडार और रेडियो बीकन ने पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर फिजाई हमलों में तावन किया। द्वारका पाकिस्तान के साहिली इलाकों खसूसन कराची के लिए शरंगेज कार्रवाइयों का मरकज है। अगर ये इंस्टॉलेशन मौजूद है तो इस सिंह से हवाई हमलों का खतरा मौजूद रहेगा। व्हाट आर द इंस्टॉलेशंस इन दिस प्लेस? सर मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से द्वारका शहर और खास तौर पर द्वारका रडार स्टेशन की पोजीशन का लेआउट तैयार किया है। हमारा टारगेट द्वारका रडार द्वारका रेलवे स्टेशन के शुमाल मशरक में वाके है। रडार के मशरक में सोमनाथ का मंदिर है और रडार के मगरबी हिस्से में रूपन बंदर नाम का एक छोटा फिश हार्बर है। रडार पोजीशन तकरीबन साहिल से 1 मील अंदर वाके है और इसकी हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का जाल बिछा हुआ है। रडार के मगरब में एक रेलवे लाइन भी है जो द्वारका को जामनगर और पूर्व बंदर से मिलाती है।
मजीद मगरब में एक मेटल ट्रैक है जो द्वारका को ओखा पोर्ट से मिलाता है, जो कि द्वारका से 26 मील नॉर्थ में है। और आखिर में एक अहम चीज, रेडार स्टेशन के जनूब में एक आर्टिलरी यूनिट है जो समुंदर की तरफ फायर करने की सलाहियत रखता है। सर, इसके अलावा एक पाकिस्तानी माल बरदार जहाज बागे कराची मिस्र की बंदरगाह पोर्ट सईद पर डिटेन किया हुआ है। बिल ऑफ लेडिंग के मुताबिक इस जहाज पर पाक फजाइया के लिए हसास मिजाइल और पाक आर्मी के लिए हसास असला मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि इस पर भारत के लिए भी सामान लदा हुआ है, जिसकी वजह से मिस्री हुकूमत ने इसको डिटेन किया है। और खदशा है कि दौरान सफर इंडियन नेवी इस जहाज को नुकसान पहुंचा सकती है। सर, फिर तो हमें इसे स्क्वाट करना पड़ेगा। सर, नेवल बम्बार्डमेंट के लिए यह एक आइडियल टारगेट है। हां, इन हालात में यह जरूरी हो गया। मेरे ख्याल में द्वारका के ऊपर हमारे बहरी बेड़े का हमला बहुत कारगर साबित होगा। न सिर्फ यह कि दुश्मन मजबूर हो जाएगा कि अपनी तवज्जो हमारे बहरी रास्तों से हटा ले, उसको अपने बहरी बेड़े को अपनी बंदरगाहों में पना देनी पड़ेगी। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसको मजबूरन हमारे बहरी बेड़े से मुकाबला करना पड़ेगा। लेट्स गेट ऑन विद इट। डिश आउट द सिग्नल। Now we'll teach them a lesson. Sir, हमें दौर का तो बंदाज में प्रॉब्लम मिला है। तो ये प्लॉट करके दिखाई आया सर। Present position of ships at 1500 is this one. At 1800 RV for the ships is this place. For firing IP midnight 7 September near Dwarka is this place. ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे यहाँ से बाबुल मंदिर कितना दूर है? सर, यहाँ से पोर्ट ऑफ एडन 1390 नॉटिकल माइल है, जबकि बाबुल मंदिर 1485 नॉटिकल माइल है। सर राइट, आप ऐसा कहें कि टैंकर ढाका को फ्यूलिंग के बाद यहाँ कहीं आ रही थी, क्योंकि हो सकता है हमें एस्कॉर्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ से जहाज रवाना करना पड़े। आया सर। यस, गुड। बाद में बहुत इंतजार किया जाए, लेकिन याद रहे इस हमले में हमारा टारगेट द्वार का तो वो रडार है जो कराची पर हवाई हमले में मदद कर रहा है। आया सर। हाँ, तमाम शिप से कह दिया जाए कि वो फ्यूलिंग के लिए तैयार। मैं चाहता हूँ कि ये बम्बार्डमेंट ऑर्डर हीलिंग लाइन के जरिए तमाम शिप तक पहुंचा दिया जाए। एंड वी नेम दिस ऑपरेशन एज ऑपरेशन सोमनाथ। ऑपरेशन सोमनाथ सर, कोई शक? नहीं सर, मेरा सब वही सोमनाथ बट चिकन। वही सोमनाथ जिसे मैं मोहम्मद नबी ने फतह करके तारीख का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बेशक सर, इसी ने सही कहा सर कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। जरा सोचो कैप्टन, एक शख्स गजनी से घोड़ों की पीठ पर सवार होकर चला, से होता हुआ गुजरात और काठियावाड़ में जा पहुंचा। हमारा सफर दूसरी तरफ,
सर, महमूद गलदमी ने 17 हमले किए थे और हम 18 हमला करेंगे। पर्स इतना है कि वह गोर के पीक सवारों की खुशकी से हमला बर था और हम समंदर से हमला करोगे। और सर, हकीकत यही है कि इस वक्त हमारा बेड़ा भी बिखरे हुए समुद्री सी हॉर्सेस पर सवार होकर उसी तरफ जा रहा है। वेल सेट, वेरी वेल सेट। The main features of this operation are: the initial position selected is 206 Dwarka Lighthouse, 6 nautical miles. Mission is to carry out bombardment of Dwarka radar and coastal installations. Target position is 22 degree 14 north, 68 degree 58 east. This is north of a position shown as temple on the chart, sir. Ammunition is 50 rounds per ship. एंगल से जा रहे हैं, ये डायरेक्शन है बंबई की तरफ, द्वारका इस तरफ रह जाता है। बगैर हम बंबई की तरफ जा रहे हैं ताकि दुश्मन अगर हमें डिटेक्ट कर भी ले तो उसे ये पता ना चले कि हम किस तरफ जा रहे हैं। राइट राइट इंडियन इंटेलिजेंस की कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सबमरीन गाजी बॉम्बे के आसपास साइल पर मौजूद है लेकिन लोकेट नहीं हो रही। और सर जी, यही तो परेशानी है कि लोकेट नहीं हो रही।
जो लुकेट हो जाए तो चटका नजर नहीं है। इसलिए ऑर्डर यही है कि हिफाजत के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रम तो दूसरे बड़े जहाजों जिनमें दिल्ली भी शामिल है पीछे हटाकर बॉम्बे हार्बर की हदूद में रखा जाए। छुप जाए ना छुप तो राजू बंबई के लिए रवाना हो चुकी है वहीं से आगे है। सोचने की बात है कि हमारी एक सबमरीन ताजी जिस वक्त बंबई के बाहर उनकी टेरिटरी में दुश्मन कितने बॉयल इक्विप्ड बड़े बड़े भारी भरकम जहाजों की ताक में उनकी मुक्ति से बैठी होगी। वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फतेह। मैं क्या सर जी एक गल पूछनी आ। बोलो बलवंत सिंह। सर जी ए पाकिस्तानी सबमरीन काजी के नाल कदों ताई होर लुकन मिट्टी का खेल असा खेलेंगे? भाई जब तक मुझे हाई कमांड से ऑर्डर्स नहीं आते बलवंत सिंह मैं कुछ नहीं कर सकता। और सर जी और निक्किया होंगे असं खेल खेलते सर लुक छुप जाना मकई दा दाना राजे दी बेटी आ गई है। हुन राजे दी बेटी गाजी आ रही है ते असी लुक रहे हैं छुप रहे हैं उन्हें कोई नहीं लुकेड़ कर रहा। जे उन्हें सानू लुकेड़ कर लिया ना ते जनाब पता ही की होएगा ए साडा विक्रांत जेड़ा है ना रॉकेट बन के उत्ते जाएगा तो दुनिया तो चुप रहे ने घुमड़ घेरी शुरू कर देनी है। रब जी का खालसा रब जी की फतेह गुरु जी का खालसा गुरु जी की फतेह गुरु जी का खालसा गुरु जी की फतेह। और गुरु जी का वास्ता जे उन्हों लुकेट कर लो और ऊपर वाला तो गुरु अच्छी तरह जानता है कि मुस्लिम ने जरूर कोई बड़ी सुपेरियर प्लानिंग की हुई है। सानू बंबे तो द्वारका च मथू रखकर यह कोई उच्चा ऑपरेशन किसी होर पासे करेंगे और साढ़े इसलिए समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। और बागुरु इन्हों समझा मेरी के नौजवान से मोहब्बत वतन की मोहब्बत के अलावा उसके पास है क्या? जिसके पास वतन की मोहब्बत हो उसे और कुछ नहीं चाहिए। देखो अरम ये सब बातें ग्रामीण की हद तक तो अच्छी लगती हैं और तुम्हें मालूम है जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए। तुम कितनी खुश नसीब हो जिसे मैं चाहता हूं। तुम शायद इस फर्क को नहीं जानते हो जो तुम में और फर्रुख में है। हाँ मैं जानता हूं वो तुम्हें सरकारी जहाज की सैरी तो करा सकता है। मैं तो तुम्हें जहाज खरीद के दे सकता हूं बोर खरीद के दे सकता हूं। कितना फर्क है तुम तो जानती हो मेरे पास कितना रुपया है। जहाज डूबते तो शायद थोड़ी देर लगे मगर पैसा डूबते चंद सेकंड लगते हैं। तुम अपने पैसे से खुश रहो मुझे मोहब्बत से खुश रहने दो। कराची है एक जरूरी ऐलान समाज फरमाइए। कमिश्नर कराची ने आवाम से अपील की है कि वे दुश्मन के एजेंटों और समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी निगाह रखें और अगर किसी शख्स को मुश्तबा हालत में घूमते हुए देखें तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। ऐलान खत्म हुआ। बेटा तुम्हारी खाला कितने फोन आ चुके हैं तुम जवाब क्यों नहीं देते? बेटा तुमने जो कुछ भी फैसला किया है हमें बता दो उन्हें कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही है। ठीक है आपको मेरा जवाब कल सुबह मेरे कमरे से मिल जाएगा। तुम्हें एक बात बताऊं जब तुम समंदर का रुख करते हो ना तो मेरा हर दिन किसी न किसी तूफान में घिरा गुजरता है। मौजों की तरह मेरी तबीयत भी परेशान रहती है। खुदा करे खुश और हंसते मुस्कुराते वापस आ।
ताकतवर, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे दुश्मन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें वापस आना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। मेरे और तुम्हारे बहन बेमानी साबित हों। फिक्रमंद हरगिज नहीं होना। अगर हमारी सरजमीन है तो हम हैं। हमारा वजूद हमारी मिट्टी से वाबस्ता है। कि मुनासिब वक्त है कि हम अपने अफसरों और जवानों को अपने ट्रांसपोर्ट के एम्स और ऑब्जेक्ट्स बता दें कि हम कहां और क्यों जा रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है। हवा से कहिए कि जहाज में कमांडिंग ऑफिसर से कहिए कि वो अपनी अपनी शिप्स कंपनी को एड्रेस और ये बता दें और हाँ वो ढाका डिटेच कर दीजिएगा। जी सर। खुदा ताला ने हमें अपने मुल्क से बताकर एक बेहतरीन मौका फराहम किया। नेवी ने तहैया किया है कि दुश्मन को उसके घर के अंदर जाकर मारा जाएगा। आज हमने एक बार फिर महमूद गजनवी की याद को ताजा करना है। मिशन यह है कि आज रात द्वारका पे कंपार्टमेंट करके हम उसका लाला स्टेशन और एक बेकन दबा कर माइक गल्फ, दिस इज माइक अल्फा। सर ये माइक गल्फ रेपिटेशन मांग रहा है और मैंने उसको कहा है कि डू नॉट आस्क फॉर रेपिटेशन, आई शैल पास यू माय लाइफ। सर एक सिग्नल इंटरसेप्ट हो रहा है। सिग्नल? सिग्नल क्या है? डू नॉट आस्क फॉर रेपिटेशन, आई शैल पास यू माय लाइफ। इसको फेस करे फेस और इसको लोकेट करे क्या है और कहाँ है जल्दी। और आगे कुछ नहीं मिल रहा, बस यही एक सिग्नल मिला है मेरा कंप्लीट रेडियो साइलेंस है। नो नो, ट्राई करो, आप ट्राई करो, ट्राई ट्राई अगेन और मुझे इन्फॉर्म करो कि शिप कहां से है। सर कंटिन्यूअसली पेंटिंग ऑन बेरिंग 124। अच्छा ही आलमगीर सिंह जी के कॉन्टेक्ट को आया सर। हाँ
यू गॉट समथिंग? सर कुछ कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, फॉलो करें। डिप्लॉयमेंट ऑफ शिप्स इन अ कॉलम हेडिंग टुवर्ड्स आवर कोर्स सर। डिस्टेंस 25.1 नॉटिकल माइल सर। एयरक्राफ्ट में सकता है permission to open fire, sir. Green light ke upar red roshni dikha raha hai. Roger. Ah, I think it's a merchant ship. All station revert to normal. All station revert to normal. Hands to defense station. Hands to defense station. Port watch close up. Assume RPC state 2 condition Yankee. Out. Sir, request permission to alter to the normal course. Approved. I accept. Contact naval headquarters immediately and ask for instruction. Tell the army shore battery to open fire on them. Quick. जानते हो हमने इस ऑपरेशन के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया। इस वक्त हमारी पूरी नेवी दुश्मन की भी टेरिटरी में है सर, और ये भी एक रिकॉर्ड है कि इतने तवील सफर में दुश्मन ने अब तक हमें डिटेक्ट नहीं किया है। पंचूरा से जब आप वर्दी पहने तो जो भी रखे अंकल थोड़ी देर में हम इनिशियल पोजिशन में आगे से बंबार्डमेंट करके हम दुश्मन के बहुत बड़े इंस्टॉलेशन का खात्मा करना है सर। लेकिन ये कोई आसान टारगेट नहीं है, एक बार बड़ी जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है।
सुना है कि एयरपोर्ट के शुमाल में दुश्मन का कोई वॉरशिप छुपा बैठा हो। यह भी हो सकता है कि द्वारका वालों ने हमें डक करके पीछे खबर कर दी हो, जहां से हम पर किसी वक्त भी एयर अटैक हो सकता है। सर यह मुमकिन है, लेकिन गाजी सर से कफन बांध कर निकलते हैं। हम इज्जत के साथ जीने और इज्जत के साथ मरने के लिए तैयार हैं। यकीनन सर, अफसरों और जवानों में कुछ ऐसा ही जोश और गलबला है। नॉट यट सर, और 45 गन्स आर रेडी ऑन टारगेट, रिक्वेस्ट परमिशन टू ओपन फायर। नो नो, नॉट एट ऑल। यमराज को मत बुलाओ, खुद मौत को दावत मत करो। वैसे भी हम उनका टारगेट नहीं होते। Radio silence. Well done. Alamgir is ready for bombardment, sir. Roger. Sir, all the units have reported readiness for bombardment. Okay. Good. Very good. MIB की पोजीशन पर पहुंच गए। Sir, another 2 minutes to go. इमीडिएट मैसेज है, हमदी बावे कराची पोर्ट साइड से कराची के लिए सेल कर चुका है। नेवल हेडक्वार्टर ने हमें इसको एस्कॉर्ट करने का हुक्म दिया है। ओके, आप ऐसा करें कि हैबल, शाहजहां और बाबर को बम्बार्डमेंट के फौरन बाद अदन की जाने हाई स्पीड ट्रांजिट का हुक्म दीजिए। इसका सिग्नल बना दीजिए। आए सर। Right. Commence bombardment.
कमेंस बम्बार्डमेंट अल्फा 6 डेज सिंस डेल्टा 1 ब्रेक एक्वाडेट ऑफ वन टैक 11 डेज बम्बार्डमेंट रिटाइम 0030 ओवर Open fire! Open fire! Fire! I'm gonna